चलिए मैं चलता हूँ, मुझे पापा से भी मिलना है। ओके ठीक है दोरुख, जल्दी ही मिलते हैं। वैसे दोरुख, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसने बताया तुम्हें इसके बारे में? क्योंकि डैड को भी नहीं पता है। किसी शुभचिंतक ने। कहीं दोरुख का मतलब सुना से तो नहीं था। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों? तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। किस बारे में बात कर रही हो तुम? मुराद से दूर रहो ये कहने आई हूँ। मुराद सर सिर्फ मेरे बॉस है और कुछ नहीं। मुझे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ओह, तुम अपनी मासूमियत का जाल बिछा रही हो। तुम कामयाब नहीं होगी बीबी। मैं मुराद को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा नाम है डिडेन और तुम्हें यहाँ से एक मिनट में बाहर निकाल सकती हूँ। तुम ये बात शायद समझ नहीं पाओगी, पर मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ। यहाँ बेकार के सवाल मत करो। मैं बस अपना काम कर रही हूँ और तुम भी वही करो। और अगली बार मुझसे इस तरह बात मत करना। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती? अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा, जितना दिमाग है ना उतना ही समझ में आता है तुम्हें। पता है मुराद सर ने तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? मैं तो तुम्हें सिर्फ थैंक्स करने के लिए आई थी, पर तुमने मुझे हर्ट कर दिया। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। अचानक क्या ड्रामा कर रही हो, क्या नाटक है? ओ मुराद, मुराद सर, मैं मेरे कैबिन में आऊं। इतना बड़ा ऑफिस है, इतने बड़े ऑफिस में कैसे ढूंढेंगे उसे? हेलो, आपका दिन अच्छा हो। आपका दिन अच्छा हो। हम हयात हुजून से मिलने आए हैं। वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? वो जनरल मैनेजर की असिस्टेंट की असिस्टेंट है। हयात हुजून के विजिटर्स आए हैं। हयात हुजून, वो जनरल मैनेजर की असिस्टेंट की असिस्टेंट? आर यू श्योर? ठीक है, यहाँ पर हयात हुजूम नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। ओ, नहीं, इसका ये मतलब नहीं था। एक बार और। सॉरी। जनरल मैनेजर की असिस्टेंट की असिस्टेंट है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं समझाती हूँ। मैं सब सुन चुका हूँ। और भी कुछ है जो मुझे? वो भी पता है। मुझे नहीं पता आपको क्या बताया गया है, पर मुझे फंसाया जा रहा है। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। तो मैंने जो सुना उसके बजाय जो देखा उस पर बात करते हैं। ओके, आप पहले ही हफ्ते अपनी दोस्त को यहाँ पर ले आई, फिर आपने हमारे लीड मॉडल से लड़ाई की, उसे काफी भला बुरा भी कहा। वैसे मैंने आपके बॉस के साथ के रिलेशन की बात तो की ही नहीं। बॉस के साथ रिलेशन? कैसा और किसके साथ? अगर आप दोरुख सर की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी। उन्होंने ही मुझे पूछा था कि। और आपने
मेरी परमिशन के बगैर ही अरेबियंस के साथ हुई मीटिंग का कंटेंट दूसरों को बता दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आप अपने वालिद की दोस्ती का फायदा उठा रही हैं तो गलती कर रही हैं। एक्चुअली गलती आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किसके साथ काम करते हैं। और हाँ, आपके आसपास ऑफिस में भी सारे ऐसे ही टाइप के लोग हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं वैसे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं धोखेबाज बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगी, मैं गद्दार नहीं हूँ, समझ गए आप? मेरी बात खत्म नहीं हुई। पर मेरी हो गई। आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, बिजनेस के लिए कोई भी काम करवा सकते हैं, आप मुझे टॉर्चर भी कर सकते हैं, पर आप किसी भी हालत में मुझे बेईमान नहीं बुला सकते। मुझे क्या करना है ये आप नहीं बताएंगी, बॉस मैं हूँ। अब से नहीं है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कोई कसीनो नहीं है जहाँ पर आप कोई दाव खेलेंगी या गेम खेलेंगी और मैं हार जाऊंगा। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। तो अपने पापा को इस डिसीजन के बारे में क्या बताएंगी? आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? नहीं, मुझे बस क्यूरियोसिटी है कि आप अपने पापा को इस्तीफे का बहाना क्या देंगी। सच बताऊंगी उन्हें। आप ये सोचिए कि आपका सच जब सबके सामने आएगा तो आपके पापा से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें सच बताने वाली हूँ। कहाँ पर थी तुम मैडम? तुम्हारा फोन नॉनस्टॉप बज रहा है, एटलीस्ट जाने से पहले इसे साइलेंट पर करकर जाती तो अच्छा रहता। मुझे बार बार कॉल कौन कर रहा है? शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, मिस सुना। क्या इतने सारे मिस कॉल्स आए हैं? कॉल उठाओ या इसे साइलेंट पर कर दो। हाँ कहिए मॉम।